हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सबने प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया है एग्जाम के लिए और सबको भी मज़ा आने लगा है पढ़ाई में। तो लेट्स स्टार्ट। और आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड मटेरियल्स लेक्चर, सेकंड लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे। और अगर कुछ डाउट होगा तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप जो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। सो बेसिकली आज से हम लोग नया पैटर्न में स्टडी करेंगे। आज से हम लोग MCQ बेस्ड जो लेक्चर्स करेंगे, लेकिन जो जो टॉपिक्स, जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी टॉपिक्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो वीडियो लेक्चर्स में। और जो मॉडल, जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन पार्ट टू, वो सब लोग ट्राई कीजिए और कल उसका आंसर की वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। और आई होप कि फर्स्ट जो पार्ट था क्वेश्चन बैंक का, वो सबने अटेम्प्ट किया और सबका मार्क्स अच्छा ही आया होगा। जिसका बिलो 20 आया होगा तो वो तो डेंजर जोन में है, थोड़ा पढ़ाई में अच्छे से मन लगाना पड़ेगा कुछ, और बस मेरे वीडियो लेक्चर्स को ठीक से फॉलो करें। तो सब लोग आई होप कि इसमें से 30-35 क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा, और कुछ ग्राफिक्स, बाकी मैथमेटिक्स के भी वीडियोज आएंगे बिफोर एग्जाम। So without much wasting time, let's start. Before starting, let me tell you, don't forget to like, subscribe and share our YouTube channel and press the bell icon. तो आपको जब मैं अगर लाइव स्ट्रीमिंग कभी यूट्यूब में होता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप लोग मिस मत कीजिए कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग, स्पेशल क्लास अगर कुछ होता है तो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड मटेरियल्स का लेक्चर टू स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बीम्स डिस्कस करेंगे, इसके बाद करेंगे कॉलम्स, टॉर्शन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, देन कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो बाकी है वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि जी म्यू और के बीच में रिलेशनशिप क्या होते हैं, क्या रिलेशन है इन चारों के बीच में। सो टुडे विल मूव टुवर्ड्स द थ्योरीज ऑफ फेलर। सो थ्योरीज ऑफ फेलर, ठीक है। सो टोटल फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चार पांच थ्योरी है। फर्स्ट थ्योरी हो गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ये किसके लिए है? ये ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल्स क्या है? जैसे हो गया ग्लास हो गया, कंक्रीट हो गया। कंक्रीट क्या होता है? ब्रिटल मटेरियल, याद रखना इसको, अच्छा एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो हो गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। ये किसके लिए है? ये है डक्टाइल मटेरियल्स के लिए, डक्टाइल मटेरियल्स। और इस डक्टाइल मटेरियल्स में क्या होता है? स्टील हो गया, रबर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो सब डक्टाइल मटेरियल्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट थ्योरी हो गया, ये हो गया नंबर वन थ्योरी, नंबर टू थ्योरी हो गया, ये नंबर थ्री थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, इसको ये भी इसका और एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं कि गेस्ट एंड ट्रेस्का थ्योरी, गेस्ट एंड ट्रेस्का, ट्रेस्का थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं कि जो जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है वो लेस वो होना चाहिए, जो लिमिट मैक्सिमम लिमिट होता है उससे कम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और एक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो था
उसका और एक नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं रैंकाइंस थ्योरी, विल नोट करके रख दो रैंकाइंस, एग्जाम में कभी पूछ दिया बाई मिस्टेक तो इसको याद रखना रैंकाइंस थ्योरी, ठीक है। तो रैंकाइंस थ्योरी किसके लिए अप्लीकेबल हो गया, ब्रिटल मटेरियल्स। और प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, इसका और एक नाम है सेंट, एसटी सेंट वेनेंस थ्योरी, सेंट वेनेंस थ्योरी। नंबर फोर जो थ्योरी हो गया वो हो गया मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। नंबर फोर थ्योरी हो गया मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इसको इसका और एक नाम है हेक्स थ्योरी, ठीक है। और नंबर फाइव हो गया मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी, शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। पहले वाला क्या था, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, ये शेयर स्ट्रेन, इसका और एक नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग मिसे हेनकी थ्योरी, ठीक है। एक इसके लिए डक्टाइल के लिए, ठीक है। और ये जो मिक्सिंग ये भी डक्टाइल मटेरियल्स के लिए, इसको नोट करके रखना, बस एग्जाम में ऐसे पूछता है कौन सा थ्योरी किस कौन से मटेरियल के लिए। तो शेयर्स स्ट्रेस थ्योरी जो है ये भी डक्टाइल के लिए, याद रखना इसको, ये किसके लिए, ये डक्टाइल के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में यही पूछेगा कौन सा थ्योरी कौन सा मटेरियल के लिए, ये हो गया इम्पोर्टेंट चीज़। हाँ, और एक चीज़ नेक्स्ट नोट करके रखो, मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सपोज एम से। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है ES बाई EC। अभी ES क्या हो गया, ES हो गया इलास्टिसिटी ऑफ, तो इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ ऑफ हो गया स्टील, ये हो गया EC, क्या हो गया इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। अच्छा, की बात डाउट थकिले टेलीग्राम जो ग्रुप डिस्कशन जो ग्रुप ग्रुप आसे तक मेसेज कर दिल हम और व्हाट्सएप तो इतना मैं सेटिंग तो चेंज कर टेलीग्राम ग्रुप मेसेज कर दिल हम क्या डाउट थकिले और मैं क्या स्पेशल क्या रिक्वायरमेंट थकिले मैं कैनक भिडिओ हम लगे तो थकिले क्या लगिले ये टेलीग्राम ग्रुप दिल हम आई विल मेक भिडिओ ऑन दैट टॉपिक एंड क्या फीडबैक अल्सो Please tell me your feedback. How I was the main point you want in my video, and what is the point you think I should remove for my video? Please give the feedback in the Telegram group. Okay, so this one is modular ratio is done. Here, strain energy formula. It has a strain energy formula. Formula ko yaad rakho. स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ इसमें, सिग्मा स्क्वायर बाई ट्वाइस ए, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है सर, कीप दिस फॉर्मूला इन रिमेंबर। सो व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस स्क्वायर बाई ट्वाइस ए इज द मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर सर्कल, वन क्वेश्चन विल श्योरली कम ऑन मोर सर्कल, मोर सर्कल। रेडियस कितना होता है इसका याद रखना, रेडियस हमेशा होता है जो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, सिग्मा वन सिग्मा टू क्या होता है जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं, सिग्मा वन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, सिग्मा टू माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन, योर स्ट्रेस सिग्मा वन एंड सिग्मा टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस।
सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू, ये मोनो सर्कल का रेडियस इक्वल टू कितना होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इसको बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला यही है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू दे दिया सिग्मा वन सिग्मा टू का, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने आगे एग्जाम में आगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना और मिल जाएगा। तो मोनो सर्कल रेडियस इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल, सेंटर ऑफ हो गया सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू, ये होता है सेंटर ऑफ मोहर सर्कल, ठीक है, इसको याद रखना हमेशा इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। तो सेंटर ऑफ मोहर सर्कल सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू। अभी लेट्स गो बैक टू द पार्ट फर्स्ट पेज, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस्ड, अभी बीम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद कॉलम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर में स्टेंटोमेट्रिक्स को पूरा कवर हो जाएगा, कुछ बाकी रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर थ्री में स्टेंटोमेट्रिक्स कंप्लीट कर लेंगे। आई ट्राई टू कंप्लीट टुडेस वीडियो ओनली स्टेंटोमेट्री फुल सिलेबस। अभी बीम को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो बीम का जो मेन जो इसको बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन जो होता है मेन वो क्या होता है एम बाई आई इक्वल टू एफ बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर, वेरी मच इम्पोर्टेंट, वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट, इसमें कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है एग्जाम में। तो m बाई आई, आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूलाज होता है वो मैं लिखूंगा नेक्स्ट पेज में, या नेक्स्ट पेज में मैं फॉर्मूलाज सब डिस्क्राइब करूंगा क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं। आई को आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m हो गया मोमेंट जो बेंडिंग मोमेंट होता है उसको बोलते हैं m बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। f हो गया फ्लेक्सरल, एफ फ्लेक्सरल स्ट्रेस, f हो गया स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं f को। y हो गया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एंड e तो पता है सबको। r हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये लो बेंडिंग इक्वेशन, डायरेक्टली इस इक्वेशन को याद रखना है और कुछ नहीं चाहिए। अभी जो आई का जो वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो दो तीन का लिख के देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है तो इसको याद रखना पड़ेगा तुम सबको, जस्ट अ सेकेंड। ओके दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यूज, ठीक है। अभी रेक्टेंगल इसको ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगल हो गया रेक्टेंगल, ठीक है रेक्टेंगल हो गया। फिर हो गया सर्कल, सर्कल हो गया, सर्कल का डायमीटर सपोज हो गया डी, ठीक है। रेक्टेंगल का ये साइड हो गया सपोज बी स्मॉल बी, और ये हो गया डी डेप्थ हो गया, ये हो गया सर्कल, और क्या चाहिए होगा बीच के तुम्हें, हाँ ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल 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 हो गया,
let's let me draw one triangle. Draw that triangle. सपोज ये हो गया इसका हाइट, ये हो गया इसका हाइट और ये हो गया इसका बेस। तो हाइट हो गया h, बेस हो गया b, तो बेस हो गया इसका b, स्मॉल b। सो अभी फॉर्मूला क्या होगा इसका फॉर रेक्टेंगल, ये फॉर्मूला हो गया, याद रखना इसको कभी गुना बी डी क्यूब बाई 12, ठीक है। इसको मोमेंटम इनर्शिया फॉर्मूला, सर्कल का क्या होगा पाई जो डायमीटर 24 बाई 64। अब ट्रायंगल का क्या है सबको पता है, बी एच क्यूब बाई 36। ओके ये हो गया जो बेसिकली याद रखना पड़ता है मोमेंटम इनर्शिया वैल्यूज, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट। ये हो गया मोमेंटम इनर्शिया। हाँ अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन और एक चीज बाकी है, मैं डिस्कस करना भूल गया। जैसे से हो गया फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, ठीक है, और सिलेंडर हो गया सपोज, ये हो गया सर्कल, ये हो गया सिलेंडर, ठीक है। सब तो सर्कल में बेसिकली कितना तीन टाइप का स्ट्रेस होता है, ठीक है। एक हो गया हुप स्ट्रेस, क्या होता है, एक होता है हुप एच डबल पी हुप स्ट्रेस, ठीक है। एक हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। एक हो गया रेडियल स्ट्रेस, सेम चीज है, ये तीनों में सेम चीज होता है, ठीक है। तो हुप स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, ऐसे इसमें ऐसे इस जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, जो सर्कमफेरेंस में जो स्ट्रेस होता है, तो ये हो गया हुप स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो इसका मतलब लेंथ में, जैसे यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है लेंथ वाइज, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल। हो गया रेडियल स्ट्रेस, तो एक मिनट ये गलती से लिखा, इसको होता है रेडियल, ये होगा रेडियल स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेस, ठीक है। तो रेडियल स्ट्रेस क्या होता है, ये हो गया सर ये यहाँ ये जो स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस है ये हो गया रेडियल स्ट्रेस, ठीक है। अभी तीन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बस हमको फॉर्मूला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट हो गया सर उसमें सिलेंडर में, सिलेंडर का हो गया सिलेंडर हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा सपोज एच हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया याद रखना बस फॉर्मूला पी डी बाई ट्वाइस टी, ठीक है। और याद रखना ये जो सिलेंडर है ये थिन सिलेंडर होगा, थिन तो पता है सबको, मतलब जो पतला वाला सिलेंडर है थिन सिलेंडर, हाँ ठीक है। हुप स्ट्रेस हो गया, नेक्स्ट अरेटर स्ट्रेस है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इसको हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा एल। तो ये क्या होगा पी डी बाई फोर टी, ठीक है। इसका बस फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये हो गया सिलेंडर का। अभी जो सर्कल हो गया, सर्कल मतलब सर्कल भी हो सकता है, इसको हम लोग स्पेयर भी बोल सकते हैं, स्पेयर, ठीक है। सिलेंडर सॉलिड बॉडी है ना, स्पेयर सपोज स्पेयर, इसका जो होप स्ट्रेस सिग्मा एच और जो लॉन्गिट्यूडनल होगा ये एकदम सेम है। तो ये सिग्मा एच सिग्मा एल इक्वल टू क्या होगा पी डी बाई फोर टी। अच्छा इसमें दो चीज़ें इसको याद रखना है कि जो डी तो सबको पता है, डी क्या हो गया डायमीटर, टी क्या होता है, टी हो गया थिकनेस, मतलब याद रखना टी हो गया थिकनेस, थिकनेस ऑफ जो सिलेंडर हो गया फिर स्पेयर हो गया, इसका थिकनेस की हो गया। और जो पी है
ये पी का पी हो गया प्रेशर, तो ये जो स्ट्रेस जो आता है किस लिए आएगा, प्रेशर है उसके अंदर में, इसलिए तो आएगा स्ट्रेस, इसलिए पी हो गया प्रेशर। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेस के बारे में। अभी नेक्स्ट चैप्टर होगा टॉर्शन, छोटे चैप्टर, इसको हमने डिस्कस कर लेते जल्दी से। सो लेट्स डिस्कस द टॉर्शन, और तो इसको विल द नेम ऑफ टुडे इज टॉर्शन ऑफ शाफ्ट। ओके, तो सिमिलरली हियर ऑन फार्मूला इज देयर, वी हैव टू रिमेंबर द फार्मूला, रिमेंबर ओनली दिस फार्मूला, और कुछ नहीं चाहिए। ये सिमिलर टू बीम की तरह सिमिलर है, हाँ, रिमेंबर दिस फार्मूला। तो इसमें क्या फॉर्मूला है, बीम की जैसे, ये बीम में क्या था, एम था, इसमें होगा टी, और नीचे होगा टी बाई जे इक्वल टू होगा जी थीटा बाई एल इक्वल टू टाओ बाई आर। ठीक है, अभी टी क्या है मैं बताता हूँ, टी हो गया टी ओ आर टी ओ आई टॉर्शन, ऐसा टॉर्शन, टी हो गया टॉर्शन, जेड हो गया, जेड को बोलते हैं हम लोग पोलर, पहले क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका नाम हो गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब जी क्या हो गया, जी तो सबको पता है, जी हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा क्या हो गया, एंगल ऑफ ट्विस्ट। एल क्या हो गया, एल हो गया लेंथ। आर हो गया क्या हो गया, रेडियस, आर हो जाएगा रेडियस, और जो टाउ है ये होता है शियर स्ट्रेस, इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। अभी ये जो इक्वेशन है मतलब किस काम का है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो सपोज ये यहाँ पे एक यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट है, ठीक है, एक ये हो गया एक शाफ्ट, जो रिंग क्या था शाफ्ट, टॉर्शन ऑफ शाफ्ट, तो ये हो शाफ्ट ऐसे, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से हम लोग ट्विस्ट देते हैं टॉर्शन, ये टी जो टॉर्शन है, ठीक है, टॉर्शन 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 देने के वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसका रोटेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे रोटेशन होगा ये शाफ्ट का, ये रोटेशन होगा, जो रोटेट जो करेगा जो एंगल हो गया ये हो गया थीटा, ठीक है, और शाफ्ट का लेंथ हो गया वो हो गया क्या होगा एल, और इसका जो रेडियस होगा वो क्या हो गया आर। समझ में आ रहा है कुछ क्या चीज़ है, मतलब क्यों हो रहा है, ये शाफ्ट टोटल, ठीक है, ये हो गया आर, और जी तो सबको पता है, और जो ये था टाउ था ये हो गया शियर स्ट्रेस। थोड़ा बोरिंग लग रहा है बट आई होप धीरे धीरे मजा आने लगेगा जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो डोंट फील बोर्ड, अभी वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस हो जाएगा, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बस क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो यह था टॉर्शन का ये फॉर्मूला, हाँ, इसमें और एक चीज़ था जे, तो जे क्या होता है, जे था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा अगर एग्जाम में पूछते हैं मोमेंट की इनर्शिया की तरह, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछ के पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो पहले क्या था सर्कल का, क्या था पहले था हम लोग का पाई डी टू डी पावर 64 था ना, तो इसमें क्या होगा पाई डी टू डी पावर 4 बाई 32, उसका 64 था इसमें 32 है सर्कल में, बस ये याद रखना कि मतलब उसका हाफ है, और मोस्टली ये सर्कल का याद रखने से होगा, बाकी कुछ नहीं चाहिए, सर्कल को याद रख लो, बाकी उनके इम्पोर्टेंट नहीं है, सर्कल याद रख लो। पाई डी पावर 4 बाई 62, डी क्या हो गया, डी हो गया डायमीटर। अगर ये अगर बाई चांस होलो सर्कल हो गया, होलो सर्कल ये हो गया सोलिड सर्कल के लिए, ठीक है, सोलिड सर्कल, होलो सर्कल हो गया तो जे इक्वल टू, तो जे का वैल्यू, तो जे हो जाएगा याद रखना पाई बाई 32
हो गया डी टू डी पर कैपिटल डी टू डी पर फोर माइनस माइनस स्मॉल डी टू डी पर फोर, स्मॉल डी टू पर फोर मतलब ये हो गया शाफ्ट, ठीक है। अभी ये हो गया बड़ा वाला डी, हो गया छोटे वाला डी, अब ये छोटे वाला डी हो गया, ये छोटे वाला डी, ये हो गया बड़ा वाला डी, तो ये कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, तो जे इक्वल टू पाई बाय 32 कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी पावर हो गया इसका 4। हाँ ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अगर ट्वेश्चन से क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें से पूछेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछने वाला एग्जाम में। अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छा ये चीज याद रखो वेरी मच इम्पोर्टेंट है, जो पावर 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 ट्रांसमिटेड बाई शाफ्ट, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है, बस इसमें फॉर्मूला ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, पावर ट्रांसमिटेड बाई शाफ्ट, तो इसका फॉर्मूला हो गया P इक्वल टू, ठीक है, ट्वाइस पाई एन टी बाई 60 डब्ल्यू टी एस। इसका यूनिट क्या हो गया पावर वाट वाट में, तो डब्ल्यू तो टू टू ट्वाइस पाई एन टी बाई 60 वाट्स, ठीक है, पावर हो गया इन इन कौन सा यूनिट में वाट्स में, तो टू ट्वाइस पाई एन टी बाई 60, तो एन क्या हो गया, एन जो है वो इसको एन होता है जो रिवोल्यूशन पर में आरपीएम, इसको जो बोलते हैं आरपीएम, तो एन हो गया आरपीएम, ये हो गया रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। और हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं पी इक्वल टू ओमेगा इन टू टी, ओमेगा पता है ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू जो टी होते हैं और टॉर्क होते हैं मतलब टॉर्शन, ठीक है। सो ये हो गया, अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्टली अभी हम जंप करते हैं कॉलम पे। आई होप कि और एक क्लास लगेगा ये जो सेंट्रल मटेरियल्स का कंप्लीट करने में, विल नीड अनदर क्लास आई थिंक, एंड लेक्चर 3 विल कंप्लीट सेंट्रल मटेरियल, सो नाउ विल डिस्कस कॉलम, कॉलम के बाद विल एंड दिस क्लास एंड देन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस सम अदर टॉपिक्स ऑफ सेंट्रल मटेरियल लास्ट टॉपिक्स। नाउ कॉलम को स्टार्ट कर लेते हैं, सी ओ एल यू एम एन एस कॉलम्स, हो गया। सो लेट्स स्टार्ट, जो कॉलम में जो इम्पोर्टेंट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल यूलर्स थ्योरी, ठीक है। अभी यूलर्स थ्योरी इम्पोर्टेंट है कॉलम में, यूलर्स थ्योरी क्या बोलते हैं, यूलर्स थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है पहले देखना पड़ेगा, एप्लीकेबल किसके लिए, लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम। और यूलर्स थ्योरी से क्या होता है इसको याद रखना, बस शॉर्ट में बता रहा हूँ, बकलिंग फेलियर, बकलिंग बकलिंग फेलियर, तो यूलर्स थ्योरी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, जो बकलिंग लोड ये देते इससे क्या निकालते हैं हम लोग, बकलिंग लोड ऑफ लॉन्ग कॉलम, ये डायरेक्टली फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आएगा, या फिर जो मैंने जो वो दिया था पार्ट वन जो क्वेश्चन बैंक दिया था उसमें से जो एक क्वेश्चन था कॉलम का लेंथ पूछा था उस टाइप का क्वेश्चन आएगा गारंटी दे। तो बकलिंग लोड और लॉन्ग कॉलम क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया, सपोज पी से डिनोट करते हैं, सो पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, एल हो गया क्या इफेक्टिव लेंथ, एल क्या होता है इफेक्टिव लेंथ। अभी लास्ट जो चीज इंपॉर्टेंट कॉलम में डिस्कस करते हैं, सो यूलर्स थ्योरी किस
इसके लिए लॉन्ग कॉलम। अभी चार कंडीशन इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, वन एंड फिक्स्ड अदर हिंज। इसे सपोज ये हो गया, ये कॉलम है, इसको हम लोग लाइन से डिनोट करते हैं। रेड कलर का, सो ये हो गया कॉलम, ठीक है, ये हो गया कॉलम। इसके सपोज इसका टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ हो गया स्मॉल एल। अभी जो एंड है, एंड में ऐसे फिक्स भी रह सकते हैं, फिक्स भी रह सकते हैं दोनों एंड, या सॉरी दोनों हिंज भी रह सकते हैं ऐसा, या फिर एक एंड ऐसा फिक्स्ड भी हो सकता है। तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो एंड एंड के बारे में बोला गया है यहाँ पे, वन एंड फिक्स्ड अदर हिंज, तो ये कंडीशन हो गया। तो सो इससे क्या निकलते, तो एल इफेक्टिव, ठीक है, जो कैपिटल एल इफेक्टिव इक्वल टू क्या होगा, 0.707 स्मॉल एल, और एल बाई इसको ये भी हो सकता है एल बाई रूट टू, वन बाई रूट टू होता है 0.707, ठीक है। ये हो गया वन एंड फिक्स्ड अदर हिंज, वन हिंज। अभी बोथ अगर वो हो गया, बोथ फिक्स्ड हो गया, ठीक है, बोथ एंड, तो एल इफेक्टिव क्या होगा, 0.5 ऑफ स्मॉल एल, ठीक है। अभी थर्ड कंडीशन जो होता है वो है कि बोथ एंड हिंज, अगर बोथ एंड हिंज होता है तो क्या होगा, बोथ एंड हिंज तो होगा एल इफेक्टिव, तो होगा एल इफेक्टिव इक्वल टू स्मॉल एल, स्मॉल एल के इक्वल होगा, एकदम सेम सेम होगा, इक्वल होगा। और सपोज और एक कंडीशन है, वन एंड फिक्स्ड हो गया, ठीक है, एक एक फिक्स्ड हो गया, अदर क्या हो गया, अदर एंड हो गया फ्री, तब क्या होगा, एल इफेक्टिव इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल, ठीक है। इसको याद रखना है, चारों कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर साल एक क्वेश्चन आता ही है इसमें से। तो यह था कॉलम। हाँ, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लो कि मैं थोड़ा बोल देता हूँ बस इंफॉर्मेशन के लिए। और एक फॉर्मूला है रैंकाइंस थ्योरी, मतलब रैंकाइंस थ्योरी, तो फॉर्मूला नहीं चाहिए, बस रैंकाइंस थ्योरी किस लिए यूज होता है उसको याद रखो, रैंकाइंस थ्योरी ऑफ कॉलम इज यूज फॉर बोथ लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम। तो सपोज कॉलम लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, तो लॉन्ग कॉलम के लिए यूलर्स थ्योरी है, लेकिन शॉर्ट कॉलम के लिए तो कोई थ्योरी नहीं है। तो अगर कोई कॉलम लॉन्ग भी है और शॉर्ट, मतलब इन बिटवीन, ज़्यादा लंबा भी नहीं है और शॉर्ट भी नहीं है, तो उस कॉलम के लिए कौन सा थ्योरी यूज करना, रैंकाइंस थ्योरी। तो रैंकाइंस थ्योरी तो क्या हो गया, ये एप्लीकेबल, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, यूजफुल फॉर ऑल कॉलम्स, ठीक है, ये ऑल कॉलम्स के लिए यूज है रैंकाइंस थ्योरी, एग्जाम में आता ही है ये वाला चीज। अच्छा, और लास्ट चीज इंपॉर्टेंट, बाकी कॉलम्स के बारे में लास्ट चीज इसको याद रखना, स्लेंडरनेस रेशियो, इसको बोलते हैं क्या, स्लेंडरनेस रेशियो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, इसको डिनोट करते हैं, लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला हो गया एल इफेक्टिव, इफेक्टिव जो लेंथ होता है एल इफेक्टिव बाई जो मतलब जो भी अगर कुछ डायमीटर भी हो सकता है लेटरल, इसको लेटरल डायमेंशन लिख सकते हैं लेटरल, ठीक है, लेटरल डायमेंशन, ठीक है,
इम्पोर्टेंट है लैम्डा नेक्स्ट रेशियो क्या होता है, एल इफेक्टिव बाई लेटरल डायमेंशन, इसको याद रखना। स्लैंडर्स रेशियो के एल इफेक्टिव बाई लेटरल डायमेंशन स्लैंडर्स रेशियो। और एक चीज मेरा बात मैं डिस्कस करना भूल गया था, उसमें मोमेंट जो मोमेंट वाला चैप्टर था उसमें था सेक्शन मॉडुलस बोल के एक टर्म है, सेक्शन मॉडुलस। चलो देखते हैं कौन सा वाला पेज था जो एक्सप्लेन करता हूँ, रुक के ये है सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन सेक्शन मॉडुलस ये हो गया सीएसटीन वाला पेज नंबर, हाँ ये वाला देखो इसमें क्या था m by i is equal to f by y equal to e by r, ठीक है तो इसको फिर से लिख लेते हैं। तो ये था फॉर्मूला हमारा बेंडिंग का इक्वेशन का। तो सपोज क्या था m by y, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं f equal to m by i into y, ठीक है। तो ना इसमें एक टर्म आता है सेक्शन मॉडुलस, इसको z से नोट करते हैं। तो z क्या हो गया सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस हो गया जेड। तो जेड इक्वल टू क्या हो गया आई बाई, इसका फॉर्मूला है आई बाई वाई, मतलब जो मैक्सिमम वाई होता है, ठीक। अब देखो आई का वैल्यू हमको पता है, ठीक है आई का वैल्यू पता है। तो वाई क्या होता है, वाई मैक्स, सपोज वाई मैक्स जो मैक्सिमम जो जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ होता है, ठीक है मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको याद रखो मैक्सिमम डिस्टेंस का जो मतलब डिस्टेंस नहीं है लेंथ, इसको बोल सकते हैं लेंथ का हाफ, मैक्सिमम लेंथ का हाफ हो गया वाई मैक्स। तो अभी इससे निकाल सकते हैं कि जेड का वैल्यू क्या होगा। चलो हम लोग एक बार दिखा देते हैं लास्ट में वैल्यूज, जेड का वैल्यूज फॉर डिफरेंट सेक्शन मैं लिख लेता हूँ। सपोज ये हो गया हो गया सेक्शन, कौन सा सेक्शन यहाँ पे जेड, जेड वैल्यूज सेक्शन मॉडुलस का जो वैल्यू है जेड को होता है सेक्शन मॉडुलस। तो इसमें फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या होगा, उसमें क्या था बीडी क्यूब बाई 12 था आई का वैल्यू, अभी इसमें जेड का वैल्यू क्या होगा उसको डी बाई 2 से माइनस डिवाइड कर दो तो बीडी स्क्वायर बाई 6, ठीक है। सर्कुलर के लिए क्या होगा, सर्कल के लिए किया था जो सॉलिड के लिए, मतलब सॉलिड सर्कल के लिए किया था बीटी बाई उसमें था डी टू पाई डी टू डी पावर 4 बाई 64 था, तो इसमें क्या होगा पाई डी टू डी पावर 3 बाई 32, ऊपर से एक कमेगा नीचे से हाफ हो जाएगा उसका मतलब, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है ज्यादा, बाकी कुछ मतलब पूछना नहीं एग्जाम में, सर्कल के लिए चाहिए और उसके लिए चाहिए रेक्टेंगल के लिए चाहिए, ये जे लेवल का एग्जाम है उतना टफ पूछेगा नहीं। तो और एक चीज मैं लिख लेता हूँ, एक चीज मैं लास्ट में बोल देता हूँ इसको याद रखना, स्टेशन चैप्टर से है इसको याद रखो। जो था हमको हम लोग ने क्या देखा था कि सिग्मा वन और सिग्मा टू क्या था, सिग्मा वन सिग्मा टू था प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू इसको याद रखना फॉर्मूला को, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इसको याद रखना कि सिग्मा एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस था प्लस सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू इसको याद रखना। अगर देखो सिग्मा वन का वैल्यू दिया हुआ है एक्स, सिग्मा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा वाई का वैल्यू दिया है, तो सिग्मा टू हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे एग्जाम में पूछ देता है इस फॉर्मूला में बेस्ट है, इसको एक बार फॉर्मूला को याद रखो। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने कवर कर चुका है सब कुछ, अभी अगर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बाकी है तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा 10-15 में इसमें कंप्लीट कर लूँगा ये स्टेंटो मटेरियल्स का पार्ट 3 लेक्चर 3 ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है, बस हो जाएगा आई होप। हाँ और एक चीज़ है, लेट डिस्कस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है, बस 2-3 फॉर्मूला इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये भी सिलेबस में है,
जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बस उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक टाइम बहुत शॉर्ट है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का क्यूरी आ चुका है कि एम सी क्यू टाइप उसमें बेस्ट पढ़ाना है, तो अभी एम सी क्यू बेस्ट ही मैं लेक्चर ले रहा हूँ सर। तो अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो मेन फार्मूला है हो गया रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, ये हो गया एक हो गया रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। सपोज दो फोर्सेस है F1, F2, और जो इसका एंगल कितना हो गया फोर्सेस बिटवीन एंगल थीटा बिटवीन F1 एंड F2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा इसको याद रखो, तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स होगा F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos थीटा। ये हो गया रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट का वैल्यू रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। ठीक है, अब लास्ट एक चीज़ है और इसमें सेम टॉपिक में और एक चीज़ है कि अभी अगर एंगल हम निकालना है कि एंगल बिटवीन एग्जाम में बाई मिस्टेक अगर पूछ लिया तो ये जानना पड़ेगा, जानना जरूरत है कि एंगल बिटवीन जो रिजल्टेंट क्या था हम लोग का आर था, तो रिजल्टेंट आर विथ F1। ठीक है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट आर विथ F1, तो इसका एंगल क्या होगा सपोज इसको याद रखो tan अल्फा हो गया इक्वल टू अल्फा हो गया एंगल F2 sin थीटा बाई F1 plus F2 cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो जो एंगल किसके साथ है F1 के साथ, तो यहाँ पे F1 यहाँ पे होगा बाकी यहाँ पे F2 ऐसे होगा, तो ये अल्फा क्या हो गया एंगल बिटवीन रिजल्टेंट आर विथ एफ वन। ठीक है, अगर F2 में यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि एंगल बिटवीन रिजल्टेंट आर विथ F2, अगर F2 के लिए पूछेगा तो F1 की जगह F2 होगा। ठीक है, इसको चेंज कर लो, ये हो गया मोस्टली ये हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इम्पोर्टेंट एक चीज बाकी था, बाकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला सबको पता है σ1 - σ2 / 2। अच्छा, इसमें मैं लिख लेता हूँ प्रीवियस जो स्लाइड है इसमें लिख लेता हूँ कि कोई कन्फ्यूज ना हो, इसमें लिख लेता हूँ कि वो क्या है σ1 जो था ये क्या चीज़ है। ओके, तो σ1 हो गया क्या, σ1 और σ2 के प्रिंसिपल हो गया स्ट्रेसेस, क्योंकि प्रिंसिपल σ1 σ2 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो गया। ठीक है, σx और σy जो मेन हम लोगों से x डायरेक्शन में स्ट्रेस, सपोज मैं दिखाता हूँ इसको डायग्राम ड्रॉ करके, सपोज ये एक बॉडी है, यहाँ ये हो गया σx σy। ठीक है, σx σy और ये σ1 σ2 प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये है σx और σy, कन्फ्यूज मत करना, और σ1 और σ2 है प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, एंड आई होप सो लेट्स एंड दिस क्लास, ऑलमोस्ट कवर कर चुका है सब कुछ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हो गया, ये स्टेंटो मटेरियल्स का जितना टॉपिक था इंपॉर्टेंट सारा कुछ कवर कर लिया इस वीडियो में मैंने। तो एक बार फर्स्ट पेज में चले जाते हैं, देखते हैं कुछ बाकी है कि नहीं। ठीक है, सो कॉलम भी डिस्कस कर लिया मैंने, टोर्शन हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, एक्स्ट्रा जो था वो डिस्कस कर लिया, ऑलमोस्ट कम्प्लीट। सो इट्स कम्प्लीट नाउ, स्टेंटो मटेरियल्स कम्प्लीट। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा था लेकिन 40 मिनट्स का वीडियो है लेकिन कंप्लीट हो चुका है। तो
आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो टेलीग्राम जो चैटिंग जो ग्रुप बनाया नया, उसमें आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, तो डाउट क्लियर किया जाएगा। और जो क्वेश्चन बैंक 3 जो आने वाला है कल या परसों, उसको तो सीरियसली अटेम्प्ट करो, क्योंकि जितना क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में डाला गया सब मतलब बहुत सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। हर एक क्वेश्चन बैंक से मिनिमम 5 क्वेश्चन एग्जाम में श्योर श्योर मिलेगा, इसलिए मतलब मजाक में मत लो, सीरियसली क्वेश्चन ट्राई करो। बाद में मत बोलना कि कॉमन नहीं आया, पहले से हम लोग फर्स्ट क्लास से बोल रहे हैं कि एटलीस्ट सिविल इंजीनियरिंग में 40 क्वेश्चन कॉमन आएगा हम लोग का जो क्वेश्चन बैंक और जो लेक्चर नोट्स है उसमें से। एंड सब्सक्राइब करो हमारा यूट्यूब चैनल, उसको लाइक करो, वीडियो से अच्छा लगा तो लाइक करो, और शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोग ने बनाया उसमें कम से कम 250 स्टूडेंट्स है, लेकिन सब्सक्राइबर ओनली यूट्यूब चैनल में ओनली अबाउट 80 है, तो बाकी स्टूडेंट इधर आप लोग वीडियोस देख नहीं रहे हो, बस नाम के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में हो, या फिर आप लोग को मतलब वीडियोस अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर कुछ फीडबैक होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग मैसेज कीजिए कि कौन सा पैटर्न पढ़ाने से आप लोग को ज़्यादा फायदा होगा। वैसे तो हमारे पूरे टीम मतलब कंटिन्यूअस हार्डवर्क कर रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो आप सबको, लेकिन जो अगर थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करने से थोड़ा मोटिवेशन भी हम लोग को ज़्यादा मिलते हैं, सही बात है ना। अभी इतना स्टूडेंट्स है ग्रुप में, सब्सक्राइबर ओनली 80 के करीब है, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को ताकि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करें और आप सबका फायदा हो। अगर सब्सक्राइबर इतना कम होगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग का जो मॉडल वैसे डाउन हो जाएगा, तो हम लोग वीडियोस भी टाइम रेगुलरली नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ने नया जो स्टार्ट किया है सिविल इंजीनियरिंग टीचर क्लासेस, तो इसमें हम इसके बाद हम लोग एपीएससी के लिए कोचिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप कि कंटिन्यूस आप सबको फायदा हो इस यूट्यूब चैनल से, और ये ओनली इन यूट्यूब में ओनली चैनल है जो असम JEE एग्जाम के लिए फुली डेडिकेटेड है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। बाकी यूट्यूब में कोई भी चैनल नहीं मिलेगा जो ओनली सिविल इंजीनियरिंग में इतना कॉन्सेंट्रेटेड डेडिकेशन के साथ क्लास कराता है। तो हम लोग को भी थोड़ा हौसला दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करो, थोड़ा आप लोगों को पार्टिसिपेशन चाहिए होता है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, भल के पड़ा, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट, बाय। Thank you.